आखिरकार सियाणिया सच ही कहा है कि घर का भेती ही लंका ढा दिंदा है। दुकान ते काम करदे मुंडे ने ही अपने मालिक दे घर चाड़िया चन। तिन्नां ने इकट्ठे होके इक प्लान बनाया, जिस प्लान के तहत जदों भी परिवार किते बाहर जांदा सी तां अपने सलून ते जो काम करदा लड़का सी दस्सदे रहिंदे सी। आ खबर सुन के एक बार तुसी भी हैरान जरूर हो जाओगे कि आखिर हुण बंदा विश्वास किस ते करे। दिमाग दे विच जरूर आवेगी कि अक्सर ही लोग कहिंदे ने कि घर दा भेती ही लंका ढा दिंदा है, भाव के तुहाडा अपना ही कोई तुहाडी सूह दे के तुहाडा काम खराब कर दिंदा है जां फिर तुहानू वड्डा नुकसान पहुंचा सकदा है। ते अजिहा ही मामला अमृतसर दे विच वापरिया है। जी हाँ, अमृतसर दे विच एक दुकान दे उपर काम करदा मुंडा जिसने अनोखी खेड खेडी अजिहा षडयंत्र रचिया कि अपने मालिक दे घर ही चोरी कर दिती। जी हाँ, घर दा भेती लंका ढाए। दुकान ते काम करदे मुंडे ने सारा हिसाब किताब लाया, अपने मालिक नूं देखिया चाखिया परखिया ते मालिक दे घर ही अपने दोस्तां नूं बुला के अपने दोस्तों के नाल मिल के अपने मालिक के घर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिता। घर के विचों लखां रुपए का सोना ते नकदी लैके उत्थों फरार होने की कोशिश दे विच सी, पर जिहड़े इस नूं सफलता उदों मिली पुलिस मुलाजमान नूं जदों उन्हां ने सीसीटीवी फुटेज कढ़वाई और सीसीटीवी लगी फुटेज दे विच एक टैटू का निशान दिखाई दिता। वो टैटू का निशान उस व्यक्ति का सी, उस मुंडे का सी जिहड़ा मुंडा उन्हां दी दुकान दे उपर कम करता सी। जिस तो बाद दे विच दुकान मालिक नूं सुझिया आउणा है कि तां मेरी ही दुकान ते कम करदा है, इह तां मेरा ही इंपलॉई है, तां उसने ही उसके घर अपने दोस्तों नूं नाल लै के चोरी कर दित्ती। तां तुसीं वी हुण इस ते जरूर सोचोगे विचारोंगे कि आखिर हुण अपनी गल किस नूं दसे, क्योंकि अक्सर ही जिहड़े साडे नाल लोग कम करदे हुंदे ने चाहे साडी दुकान ते है चाहे साडी फैक्टरी दे है, असल दे विच असीं उस नूं अपनी फैमिली मान लैंदे हां कि साडी फैमिली है, ये साडे करिंदे नहीं है, साडी फैमिली है, घर दे ही मैंबर ने, तां हुण विश्वास किस ते करे। जे घर दा मैंबर ही लंका ढा देवे तां हुण विश्वास किस ते करे। तां जदों पता लगा कि ये उही मुंडा है जिहड़ा दुकान दे उपर कम करदा है, तां अपने दोस्तां नूं नाल लै के चोरी दी वारदात नूं अंजाम दित्ता, सोना ते नकदी लै के फरार हुआ, पर पुलिस के वलों बड़ी सहजता दे नाल ते बड़ी ही जल्दी इस मसले नूं सुलझाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, टैटू का निशान मिलिया, पता लगा कि उही मुंडा जिहड़ा काम करदा। उस तो बाद जांच शुरू की, तो दो मुलजम जिहड़े ने गिरफ्त दे विच ने और एक अजे भी फरार दस्सिया जा रहा है। और उच्च अधिकारियों का इस बाबत की कुछ कहना है ये जरूर सुन लो। 7 तारीख नूं सानूं एक इनफॉर्मेशन रिसीव हुई सी, उज्ज्वल महाजन सानूं, सुनील महाजन जो कि मोहन एवन्यू फतेहगढ़ चूड़िया रोड पुलिस स्टेशन सदर अमृतसर के रहने वाले हैं, उन्होंने सानू एक इतलाह दी कि वह किसी काम लिए घरों बाहर गए थे, तो उन्होंने घरों काफ़ी नकदी तो कुछ गहने सोने भी साढ़े घरों चोरी हो गए हैं। जदों असी एफ आई रजिस्टर करके मुढ़ली इन्वेस्टिगेशन की, तो जदों उन्होंने घर की सीसीटीवी असी खवा ली तो सानू तीन बंदे नज़र आए जिन्हों वालों चोरी की गई। ये दसनयोग है कि जो मदई पार्टी है उन्होंने घर के नाल ही एक उन्होंने सैलून भी है जिथे कि विशाल कल्याण का लड़का नाम का लड़का उन्होंने सैलून से काम करता। इंटरस्टिंगली जो असी वीडियो देखी, वीडियो दे विच उन्होंने मूँह तो बने हुए सी बट वो जो हाथ के उत्ते टैटू बनया हुआ सी, जो असी परिवार को वीडियो दिखाई तो उन्होंने तुरंत उन्होंने पहचान लिया कि यह तो उही लड़का है जो साडे सैलून से काम करता। जो असी विशाल कल्याण राउंड अप करके उसनों अरैसट किया तो उसने अपने सारा जुर्म इकबाल कर लिया, तो उसने दसिया कि यह प्लैन उसने अपने दो साथी जिन्हां विच एक जतेंद्र सिंह उर्फ परी ते तीसरा साथी जो हजे तक घोड़ा वा जिसका नाम विक्रमजीत सिंह है, तिन्हां ने इकट्ठे होकर एक प्लैन बनाया जिस प्लैन के तहत जदों भी परिवार कित बाहर जाता सी तो अपने सलून से जो काम करता लड़का उसनों दस के जाते कि असी यह चाबियां इतने असी फ्रिज रख के जाने पिछों कदे सफाई भी करवाता सी कदे होर भी काम करता सी, पर उसने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त दो दोषियों नाल प्लैन करके घर चोरी की है। हुण तक असी दो दोषी अरैसट कर चुके हैं तो इन्हां कोलों जो इन्हां दा गोल्ड दे गहने जो इन्हां वालों दसे गए वो रिकवर हुए हैं, तो 18,000 के करीब नकदी रिकवर हुई है। तो तीसरा दोषी अजे अरैसट करना बाकी है जिस कोर्ट अजे होर नकदी भी मिलने की पूरी संभावना है।
जे तुसी भी चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया जां न्यूजीलैंड दे विच ब्याह तां इक्को इक राह एनआरआई मैरिज ब्यूरो एनआरआई मैरिज ब्यूरो फाइंड योर परफेक्ट ह्यूमन